अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर कार्रवाई। जहां नवी मुंबई में अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। आजीविका चलाने के लिए नौकरी करते थे बांग्लादेशी नागरिक। 2 नागरिक 30 साल पहले भारत आए, सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया जा चुका है। महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते यानी एटीएस ने नवी मुंबई में अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुरुवार को कहा कि एटीएस के अधिकारियों ने नवी मुंबई टाउनशिप में एक आवासीय परिसर पर छापा मारा और देश में अवैध रूप से रहने के आरोप में 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। खारघर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई। बुधवार को खारघर इलाके के ओवे गाँव में परिसर पर छापा मारा और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आजीविका चलाने के लिए ये लोग यहाँ नौकरी करते थे। 30 साल पहले ये भारत आए थे और फिलहाल इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों का नाम अहमद खान, आलिम यूनुस शेख और बादल मोइनुद्दीन खान बताया गया है। पुलिस ने बताया कि तीनों के खिलाफ गुरुवार को पासपोर्ट नियम के तहत मामला दर्ज किया गया।